डिफाइंड रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा हो रहा है, जो भी कॉलेज में अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, यानी जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ हैं या पीएचडी कर चुके हैं और अब वो जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में आगे आपके कॉलेज और आगे आपकी यूनिवर्सिटीज़, जो भी लोग यहाँ पे टीचिंग के लिए यानी प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सब इसका प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बेस्ड रोस्टर सिस्टम लाया गया है। देखिए, इससे पहले अभी जो रोस्टर सिस्टम है इसका नाम है 13-point रोस्टर सिस्टम। पहली बात कि रोस्टर सिस्टम किसको बोलते हैं, रोस्टर सिस्टम एक प्रोसेस है जिससे जो कॉलेज टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जिनको सिलेक्ट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है इन पदों पर, इस प्रोसेस को हम रोस्टर सिस्टम बोलते हैं। इससे पहले था हमारा 200-point रोस्टर सिस्टम और अब है आपका 13-point रोस्टर सिस्टम। तो ये दोनों हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये 13-point के खिलाफ इतना जो प्रोटेस्ट है वो क्यों हो रहा है और 200-point रोस्टर सिस्टम क्या था। तो बेसिकली इशू यही है, इसी ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को जो अलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था उसके फेवर में अपना जजमेंट दिया है। जो पहले यहाँ पे नियुक्ति होती थी हायर एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज जो है रिजर्वेशन दी जाती थी, यानी यूनिवर्सिटी को आप मान सकते हैं एक यूनिट माना जाता था और उस पे रिजर्वेशन लागू की जाती थी। लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन जो है 13-point रोस्टर सिस्टम में ये है आपका, यहाँ पे जो अब रिजर्वेशन जो है वो लागू होगी डिपार्टमेंट वाइज, यानी जो भी सिलेक्शन होगा प्रोफेसर्स का, टीचर्स का यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, वहाँ पे डिपार्टमेंट पे रिजर्वेशन लगाई जाएगी, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला जो है अलाहाबाद हाई कोर्ट का कि डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो लागू होगा, उसको उसके फेवर में जजमेंट दी है, राइट। इससे पहले जब अलाहाबाद कोर्ट में ये केस नहीं आया था तो इससे पहले 200-point रोस्टर सिस्टम था और कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाइज जो आपका रिजर्वेशन है वो लागू किया जाता था। ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि पूरा इशू क्या है। देखिए, 13-point रोस्टर सिस्टम को यहाँ पे समझने की कोशिश हम करेंगे। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर रिजर्वेशन जो है लगाया जाता था, लेकिन अब आपका डिपार्टमेंट को एक यूनिट मान के यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो देखिए, ये रिजर्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा जो आप यहाँ पे इस टेबल में देख सकते हैं। 13-point रोस्टर सिस्टम में क्या होगा कि सपोज अगर 14 पोस्ट्स निकलती हैं एक डिपार्टमेंट में, सपोज वो डिपार्टमेंट है आपका जूलॉजी डिपार्टमेंट, ओके, एक यूनिवर्सिटी में, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगी। जूलॉजी डिपार्टमेंट में अगर 14 पोस्ट्स निकलती हैं तो जो पहला पोस्ट है वो, पहले तीन जो पोस्ट हैं वो अनरिजर्व्ड को जाएंगे, उसके बाद चौथा जो होगा, चौथी पोस्ट जो होगी वो ओबीसी को जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टू फिर जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड यूआर जिसको हम बोलते हैं, फिर सातवें पद के लिए यहाँ पे एक एससी पोस्ट जो शेड्यूल कास्ट जो है उसको ये यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद आठवां फिर से ओबीसी और 9, 10, 11 आप यहाँ देख सकते हैं फिर से अनरिजर्व्ड। और अगर 14 पोस्ट निकलेंगी तभी जो एसटी कैटेगरी का है यहाँ पे उसको लिया जाएगा, उस एलिजिबल कैंडिडेट की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। तो लोगों का मानना है कि यहाँ पे रिजर्वेशन का जो एक हमारा ये पॉजिटिव एफर्मेशन एक्शन है उसका यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अगर 14 पोस्ट निकलेंगी तभी एक एसटी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होगा, और सपोज किसी डिपार्टमेंट में तीन ही पोस्ट निकलती हैं तो वहाँ पे तो रिजर्वेशन जो है वो लागू ही नहीं होगी। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू करते हुए क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब पहले 200-point रोस्टर सिस्टम था, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम 200-point जो रोस्टर सिस्टम है उसकी बात कर लें, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज आपका जो पोस्ट थी वो निकलती थी। तो अगर 200 पोस्ट निकलेंगी तो उसमें देखिए रिजर्वेशन कैसा होगा,
क्योंकि आपका 27% ओबीसी के लिए है, आपका 15% जो है वो एससी कैटेगरी के लिए है, 7 पॉइंट रिजर्वेशन आपका 7.5% आपका एसटी कैटेगरी के लिए है। यानी अगर 200 पोस्ट निकलेंगी तो एसटी कैटेगरी को कितने लोग लगेंगे, उनके 15 लोग लगेंगे, राइट। और ये भी ऐसे ऐसे डबल हो जाएगा। इस 0.5 को एक्यूमुलेट करके, एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि 7.5 का तो कोई मतलब नहीं है, तो अगर 200 निकलेंगी तो 7.5 का आपके 15 हो जाएगा, राइट। इसलिए ये 200 पॉइंट जो रोस्टर सिस्टम था ये यूनिवर्सिटीज़ में लागू किया जाता था और यूनिवर्सिटी में जो रिजर्वेशन थी वो लगती थी। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 200 पॉइंट रिजर्वेशन सिस्टम होगा तो उसमें क्या होगा कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे सिर्फ जो है अनरिजर्व्ड लोग होंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स हो सकता है ऐसे हों जहाँ पे सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हों, तो ये वायलेट करता है, ये जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया ये चीज़, जो डिपार्टमेंट में एक ही कैटेगरी के लोग या सिर्फ अनरिजर्व्ड लोग होंगे तो वायलेट करता है आपके आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 16 को जो कि बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए, तो उसको वायलेट करता है, इसलिए हम डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन जो है वो देंगे। लेकिन प्रोटेस्ट का रीज़न आपको समझ में आया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अगर आप लोगों ने देखा हो, पहली बात तो एक साथ इतनी पोस्ट कभी निकलती ही नहीं है, निकलेंगी भी तो 3 पोस्ट निकलेंगी, 4 पोस्ट निकलेंगी, राइट। और यहाँ पे अगर ये पूरा रिजर्वेशन आपको पूरे एक प्रॉपर सोल में आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी का भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अगर 14 पोस्टें निकलेंगी तभी एक एसटी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएगा। तो यहाँ पे इनका मानना है कि इससे रिजर्व्ड कैटेगरी का जो रिप्रेजेंटेशन है हायर एजुकेशन में, वहाँ पे भारी कमी आ जाएगी। ओके, यहाँ पे यही लिखा है कि अगर फुल इम्प्लीमेंटेशन होता है, 14 पोस्ट होती हैं, तो हर 4th पोजीशन जो है वो ओबीसी को जाएगी, हर 7th पोजीशन और 13th पोजीशन जो है वो एससी को जाएगी, और शेड्यूल ट्राइब को जाएगी आपका 14th पोजीशन। यानी अगर ओबीसी कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो 4 पोस्ट मिनिमम निकलनी चाहिए डिपार्टमेंट में, अगर कोई एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो मिनिमम 7 पोस्ट तो निकलनी चाहिए तभी वो अप्लाई कर पाएगा, अगर इससे कम निकलती हैं तो जो रिजर्वेशन है हमारा पॉलिसी वो पूरा यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। और इसीलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे कॉलेज को आप एक यूनिट के लिए ना लीजिए, यूनिवर्सिटी को, जैसे जो पहला यहाँ पे 200 अपॉइंटमेंट्स होती थी, 200 पॉइंट रोस्टर था, कि यूनिवर्सिटी में पूरी पोस्ट निकलती थी, कि अगर यूनिवर्सिटी में 50 पोस्टें भी निकलेंगी या 60 पोस्टें भी निकलेंगी, तो अगर किसी एक डिपार्टमेंट में रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो उसकी कमी किसी और डिपार्टमेंट में पूरी हो जाएगी। तो 200 पॉइंट सिस्टम का ये मतलब था यहाँ पे। अब देखिए, एक केस स्टडी से मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ, ये एक व्यू पॉइंट है कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कि यहाँ पे जैसे ये आर्टिकल हिंदू में आया था, कि वहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, कि उन्होंने कहा कि अगर हम रिजर्वेशन को पूरे सेंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम ही चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकली इसको टिल्ट करना पड़ेगा। तो दोनों सिस्टम में आपको समझाती हूँ कि ये क्या कहना चाहता था यहाँ पे ऑथर। एक आ गया आपका 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम जो प्रेजेंटली ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, और अगर हम इसको करेक्ट करके अप्लाई करें कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम भी रहे और इसका कोई विरोध भी ना हो, तो पहली बात अभी वाला सिस्टम समझते हैं। अभी वाला सिस्टम ये कैसे लगा रहे हैं कि सपोज ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 27% रिजर्वेशन है, राइट। तो इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ये 100 से डिवाइड कर रहे हैं 27 को, और यहाँ पे आता है 3.7, यानी हर 4th पोजीशन ओबीसी कैंडिडेट को जा रही है। अब एससी के लिए कैसे कर रहे हैं, रिजर्वेशन आ गया आपका 15%, तो 100 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ गया 6.7, यानी हर 7th पोजीशन ये एससी कैंडिडेट को दे रहे हैं। और अगर एसटी के लिए देखें तो आपका आ गया 7.5% रिजर्वेशन, तो यहाँ पे 13.3 आ रहा है, तो यानी हर 14th पोजीशन ये एसटी कैटेगरी को दे रहे हैं। तो ये है आपका प्रेजेंट 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। लेकिन अगर यहाँ पे एक मैथमेटिक जगलिंग अगर की जाए, और देखिए इस प्रेजेंट सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 49.5% रिजर्वेशन है आपके लिए, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि अगर 14 पोजीशंस हैं
और यहाँ पे आपका जो आप कितने लोगों को यहाँ पे कैटेगरी में ले रहे हैं, इससे ये क्लियर है कि 35.71% रिजर्वेशन टोटल मिल रही है। तो भी ये क्योंकि 5 लोगों को आप ले रहे हैं यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। तो अगर हम इसको करेक्ट फॉर्म में 13 पॉइंट रोस्टर को ही लेना चाहें, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ कर सकते हैं कि हमने माना कि अगर 100 से 49% आपका रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसको डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट आपका 2 आता है, इसको 50 मान लें तो मतलब हर सेकंड पोजीशन हम यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी को दे सकते हैं कि पहला अनरिजर्व्ड हो गया, दूसरा ओबीसी हो गया, तीसरा फिर से इस तरीके से। इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का हमारा ये एफर्मेटिव एक्शन का जो यहाँ पे नियम है उसका भी उल्लंघन नहीं होगा। ये एक तरीका हो सकता है कि आप 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम भी चलाइए और यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट नहीं हो रहा है और प्रोटेस्टर भी यहाँ पे शांत हो सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सर्वेज हैं, इवन कि यूजीसी के द्वारा भी कुछ सर्वेज किए गए हैं, क्योंकि जो रिजर्वेशन है उसका यही मकसद था कि जो पिछड़ी हुई जातियाँ थी या जिन पे सोशल इनजस्टिस हुआ है किसी वक्त पे, आज हम उनको पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन हर फील्ड में दे पाएँ। लेकिन वो जो हमारा मकसद है रिजर्वेशन का, वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ सर्वेज ऐसा बताते हैं कि अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें और कॉलेजेस को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दें, तो यहाँ पे जो एससी एसटीज और ओबीसीज द्वारा रिप्रेजेंटेशंस है टीचिंग पोजीशन के लिए, वो सिर्फ बहुत कम है, सिर्फ 3.2%, 1.1% रिस्पेक्टिवली। एससीज के लिए इतना, एसटीज के लिए इतना, ओबीसीज के लिए 1.1%। तो प्रॉपर रिजर्वेशन भी नहीं है। और एक और सर्वे है जो कि बताता है कि हमारे देश में, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, प्रोफेसरशिप के लिए टोटल पोस्ट जितनी हैं, सपोज टोटल पोस्ट 125, सपोज नहीं, इतनी हैं 1125 पोस्ट हैं। इसमें से जनरल कैटेगरी के लोग 1071 हैं, एससी कैटेगरी के लोग 39 हैं, एसटी के 8 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ओबीसी का कोई भी नहीं है। इनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है हायर एजुकेशन में, ये प्रोफेसर की पोस्ट के लिए था। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की बात करेंगे, तो वहाँ पे अगर पूरे देश में 2620 पोस्ट हैं, तो जनरल की यहाँ पे जनरल की 2434 पोस्ट पे जनरल कैटेगरी के लोग हैं। एससी का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 130 है, एसटी का 34 है और ओबीसी का कोई रिप्रेजेंटेशन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे नहीं दिखा। ये एक पुराना सर्वे है, वो ये बताता है। तो यानी रिप्रेजेंटेशन पहले ही नहीं है और अभी का जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आया है, इसमें और भी कमी आ जाएगी इनके रिप्रेजेंटेशन में। ये पूरा प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है? यही है वे फॉरवर्ड जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 200 पॉइंट का एक प्रॉब्लम दिखाया कि एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग आ जाएंगे, या फिर एक डिपार्टमेंट में सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग आ जाएंगे, और उसको हम रीऑर्डर कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसको 49.5 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि हर सेकंड पोजीशन रिजर्व कैटेगरी के लोगों को जाए। उस वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन भी पूरा होगा और जो वायलेशन है आर्टिकल 14 और 16 का वो भी नहीं होगा। बट अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, क्योंकि रिक्रूटमेंट्स यूजीसी ने इसी साल 2018 में यूजीसी ने भी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से कर दी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल कर लिया गया तो वो सब पे स्टे लगा दिया गया, उनको रोक, उस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया। लेकिन अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप एक ऑर्डिनेंस लेके आइए, ऑर्डिनेंस से 200 जो पॉइंट रोस्टर सिस्टम है उसको वापस लाइए। गवर्नमेंट ने भी कुछ बयानों में, जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोला है कि वो ऑर्डिनेंस के आएंगे, वो बजट सेशन का वेट कर रहे थे, लेकिन अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। आई होप आपको 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम और 200 जो पॉइंट रोस्टर सिस्टम है अब क्लियर होगा। राइट, अगर कोई भी क्वेरी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। थैंक यू।